नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदेव बुडवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग में। हेलो गाइस, मैं आज आपको टाटा टिगोर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यह टाटा टिगोर की टॉप एंड वेरिएंट एक्जेट प्लस, जो कि ब्लू कलर में बहुत ही शानदार लग रही है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्रोम इंसर्टेड हनीक्रोम ग्रिल दी गई है, जो कि बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और इसमें डबल बैरल आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड रेगुलर हेडलैम्प मिलेंगे, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल कराए गए हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको ये हेलोजन हेडलैम्प्स ही मिलेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें एक्जेट प्लस में 14 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। लोअर वेरिएंट में 13 इंच के स्टील व्हील आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें डोर हैंडल पे क्रोम इंसर्टेड है और टेल लैंप एलईडी टेल लैंप है, जो नाइट में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। रियर में लोगो के नीचे और दोनों टेल लैंप्स के बीच में क्रोम गार्निश फिनिशिंग दी गई है, जो कि इसके लुक को और भी एनहांस कर देते हैं। टाटा टिगोर में 170 mm की ग्राउंड क्लियरनेस दी गई है, जो कि गुड इनफ है। अगर हम इसको साइड से देखें तो ये काफ़ी प्रीमियम फील होती है, कुछ इस तरह की व्यू आती है साइड से देखने पर टाटा टिगोर की। इसके शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। आइए इंटीरियर की बात करें। इंटीरियर में इसके ब्लैक एंड ग्रे फिनिश इंटीरियर दी गई है। इसमें स्टीयरिंग पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शन दी गई है। इसमें आपको लेदराइट एंड फैब्रिक दोनों के मिक्स सीट कवर्स दिए गए हैं, जिसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। इसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल दी गई है। इसमें क्लच पैडल के बगल में डेट पैडल दी गई है, जो कि हाईवेज में ड्राइव करते समय काफ़ी कंफर्ट महसूस होती है। टाटा टिगोर में 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन की आपको दी गई है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। यह केवल एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है, एप्पल कार प्ले को सपोर्ट नहीं करती है। इसके नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं और उसके नीचे यूएसबी चार्जर्स दिए गए हैं और अंडरनीथ आपको मोबाइल रखने या कुछ सामान रखने की जगह मिलती है। एमआईडी में आपको राइट साइड स्पीडो मीटर और लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर मिलता है। बीच में आपको ड्राइव असिस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। स्टीयरिंग में आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स दी जाती है। अगर हम इसकी रियर सीट की ओर ध्यान दें तो ये काफ़ी कंफर्ट नज़र आती है, क्योंकि 2450 mm की व्हील बेस की वजह से इसमें आपको लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और 1537 mm की हाइट इसकी होने से आपको हेड रूम की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको इसमें आर्म रेस्ट दी जाती है, जिसमें कप होल्डर्स हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील कराते हैं। अगर हम इसकी फ्रंट सीट की ओर ध्यान दें तो यह काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी फील होती है। आइए इसके बूट की ओर नज़र डालें। तो आइए इसके बूट कहाँ से ओपन होती है। फ्रंट में आपको म्यूज़िक सिस्टम के ठीक नीचे आपको एक बूट ओपनर का बटन है, वो आप पुश करके बूट ओपन कर सकते हैं। आइए देखिए, और यहाँ से आप ये बूट ओपन कर सकते हैं। आइए देखिए कितनी बड़ी बूट स्पेस दी गई है दोस्तों। 419 यानी 419 लीटर के बूट स्पेस इसमें टाटा के द्वारा प्रोवाइड की गई है टिगोर में, जो कि एंट्री लेवल सेडान में काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इसमें काफ़ी सारा आपका लगेज आ सकता है। और इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील, जो कि स्टील में आते हैं, और उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो भी प्रोवाइड की गई है। तो ये थी आपकी टाटा टिगोर की फीचर्स एंड एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में। टाटा टिगोर की लेंथ 3992 एंड विड्थ 1677 एंड हाइट 1537 mm रखी गई है। टाटा टिगोर में 35 लीटर की फ्यूल टैंक दी गई है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग ABS EBD कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पे दिए गए हैं। के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।